तो आज मैं लेकर आई हूँ पान मसाला मोदक की रेसिपी और आप सभी का निक्षिक जन में स्वागत है। और ये ऐसे पान मसाला मोदक बनेंगे ना, बिल्कुल मुंह में डालते से ही घुल जाएंगे, एकदम रेफ्रेशिंग फील होगा। और हम पान मसाला मोदक बना रहे हैं तो हम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, और जो हम मोदक बनाएंगे उसके लिए लेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। तो चलिए हम बनाते बनाते बातें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किए हैं, यहाँ लिए हैं 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, कोकोनट बुरादा 2 कप, और इधर लिए हैं हमने मिल्क मेड डालेंगे इसमें 3 से 4 चम्मच, और ये लिए है पान मसाला टूटी फूटी, और साथ ही लिए है कलर हम डालेंगे कोकोनट में, और ये है मीठी सोप, और यहाँ लिए है किशमिश। तो इतना हमने ले लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट में हम मिल्क मेड ऐड करेंगे। हम मिल्क मेड इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच, 1 चम्मच हम इसमें बचा लेंगे और इसको करेंगे मिक्स। तो ये ज़रा चम्मच से अच्छा सा मिक्स नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, चम्मच को रख देंगे साइड और इसे करेंगे हाथ से ही मिक्स। और इसको ज़रा देखिए, हम हाथ से मिक्स कर लेंगे, तो इसे ऊपर नीचे करके आहिस्ता आहिस्ता से इसे पूरा मिक्स करेंगे, ताकि ये क्या होगा, नीचे गिरे भी नहीं और बिल्कुल अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। तो देखिए हम इस तरह से इसको पूरा मिक्स कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कलर। और ये देखिए कलर डालने से कितना बढ़िया दिखता है ना, तो पहले इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स और बिल्कुल पान जैसा कलर इसमें आ जाएगा। और ये देखिए ये बुरादा भी इसमें बहुत ही अच्छे से मिल जाता है, तो बस आपको भी इसी तरह से करना है। और ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है ना, तो बस क्या करेंगे, ये अच्छा सा मिक्स हो गया है, इसको कर देंगे साइड। और अब हम तैयार करते हैं मोदक की स्टफिंग। तो यहाँ हम लेंगे 1 कटोरी में मसाला, तो देखिए हमने 2 चम्मच के करीब ये मसाला डाले हैं, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच टूटी फूटी, और इसमें डालेंगे किशमिश, और ऐड करेंगे मीठी सौंफ, और इन सबको डाल के हम कर लेंगे मिक्स। और जो हमने पहले 2 चम्मच मसाले ऐड किए हैं ना, उसमें केसर गुलकंद चमन मसाला, इससे क्या होगा, बिल्कुल पान जैसा टेस्ट आएगा। और देखिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मिल्क मेड, जो हमने 1 चम्मच बचा के रखा था ना, तो वो इसमें ऐड कर लेंगे। और इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ है, ये है रवादार पेड़ा, ये डालने से ना इसका टेस्ट बिल्कुल गजब का हो जाएगा, साथ में पान मसाला का भी स्वाद, और इसमें आएगा खोआ जैसा टेस्ट। तो ये देखिए इसको कर लिए है हमने अच्छे सा मिक्स। तो आप क्या करेंगे, इसके बना लेंगे बॉल, जो हम मोदक के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं ना, तो हम इसके बना लेंगे बॉल। तो सारे हम एक एक करके बना के ले लेंगे, और ये देखिए कितने अच्छे से भी बन जाता है, इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है। और आप जैसा चाहे इसका शेप ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे बना के ले लिए हैं, अब इसको रख देंगे साइड, और यहाँ लेंगे हम मोदक का साँचा, और इसे पहले खोल लेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ लेंगे घी, पहले हम इस पर लगाएंगे, ज़रा घी ग्रीस कर लेंगे ताकि आसानी से निकल जाए और इसको चिपके भी नहीं। और ये देखिए हम बड़े ही आसानी से इस तरह से मोदक सारे बनाते जाएंगे, तो बस आपको भी इसी तरह से बनाना है, और ये बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी बन जाते हैं, और इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है पान मसाला मोदक। अगर आप चाहे तो इसे लड्डू का शेप भी दे सकते हैं, बस इसे क्या करना है, गोल गोल बना लेने हैं, तो बन गया लड्डू। और जो मसाला है वो लड्डू के अंदर ही स्टफिंग कर दीजिए, तो आपका लड्डू भी बिल्कुल पान मसाला जैसा तैयार हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा भी दिखेगा। तो देखिए ये हमने बना लिए है, एक एक करके हम इस तरह से सारे बनाते जाएंगे।
और ये देखिए बिल्कुल गजब के मुंह में घुलने वाले इंस्टेंट पान मसाला मोदक बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। इसका जो अंदर का मसाला है ना, वो भी बहुत अच्छे से इसमें भरा गया है, और जो मोदक के अंदर का मसाला है ना, बहुत ही गजब का, बिल्कुल आपको रिफ्रेशिंग फील होगा। और ये देखिए इतना अच्छा मसाला दिख रहा है ना, तो बस इसी तरह से हमने सारे बना लिए हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे पान मसाला मोदक बनके तैयार हो गए हैं। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी वीडियो में। बाय।